दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, सिग्मा 24-70 f2.8 DGDN आर्ट लेंस का। तो आज जिस लेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो लेंस जो है आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, काफ़ी हद तक उससे इंस्पायर्ड है, चाहे उसका डिज़ाइन हो चाहे उसकी परफॉर्मेंस हो। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज सिग्मा 28-70 f2.8 DGDN कंटेम्प्रेरी लेंस की। तो पहला वाला लेंस था 24-70, वो था आर्ट सीरीज़ का, और ये जो है कंटेम्प्रेरी सीरीज़ का लेंस है सिग्मा का। तो आज करेंगे इसका हम इमेज क्वालिटी टेस्ट, देखेंगे इसकी वीडियो सैंपल्स यानी कि इसकी वीडियो फुटेज किस तरह से निकल के आती है, ओवरऑल इसके क्या खास फीचर्स हैं और किन तरह के फोटोग्राफर्स के लिए ये लेंस को डिज़ाइन किया गया है, क्या है इसका प्राइस और क्या है इसके कुछ खास फीचर्स, उन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सिग्मा इंडिया को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस लेंस को टेस्ट करने के लिए भेजा। अब ये जो लेंस है सिग्मा 28-70 f2.8 DGDN कंटेम्प्रेरी सीरीज लेंस, इसे स्पेशली डिज़ाइन किया है सोनी ई माउंट या सोनी के फुल फ्रेम कैमरास के लिए। हालांकि इसमें एक एल माउंट लेंस भी आता है जो कि पैनासोनिक कैमरास के लिए होता है, बट चूंकि मेरे पास में सोनी का ही कैमरा है तो मैं सोनी वाला लेंस ही आज टेस्ट करने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो मुझे लगा इसका कॉम्पैक्ट साइज, आप देख पा रहे हैं कितने कॉम्पैक्ट साइज में ये लेंस आता है। दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी इम्प्रेसिव लगी वो लगा इसका वज़न, यानी इसका जो वेट है वो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 470 ग्राम का, यानी कि 470 ग्राम्स का ये लेंस है। सो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इन साइज़। तो एक ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक जो लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी का काम करते हैं उनके लिए मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। यानी कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब लोग मिररलेस कैमरास यूज़ कर रहे हैं जो कि साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, तो अगर कैमरा छोटा है आपका लेंस भी छोटा है तो आपका जो पूरा सेटअप है वो ना केवल बहुत लाइट वेट हो जाता है बट वेरी वेरी इजी टू कैरी। अब बात करते हैं इसके फ़िल्टर साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 67mm का फ़िल्टर साइज़ मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए इसकी जो है ये एक फोकस रिंग है जो बहुत ही स्मूथली जो है मूव कर रही है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब ये जो आप देख पा रहे हो थोड़ा सा रबराइज्ड है, यहाँ पर थोड़ा जो इसका कंस्ट्रक्शन है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। बट अगर हम कंपेयर करें सिग्मा के 24-70 f2.8 DGDN आर्ट लेंस से, तो वो जो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रांग थी, हालांकि इसकी भी काफ़ी अच्छी है। ये लेंस भी जो है दोस्तों डस्ट और स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पे आ जाता है एक इसका देखिए स्विच ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैंने इस लेंस को लगा लिया है अपने सोनी A7R4 के ऊपर। अब जब आप इस लेंस को लेंगे तो इसके साथ में एक देखिए हुड भी आती है इस तरह से, और ये हुड को मैं अभी लगा लेता हूँ इस लेंस के ऊपर। सो नाउ आई एम रेडी टू शूट। तो अब आप देख रहे हैं जब मैंने इस लेंस को इस कैमरा पे लगाया तो मेरा जो टोटल सेटअप है वो कितना कॉम्पैक्ट और कितना लाइट वेट हो गया है। सो अगर आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर हैं या अगर आप एक व्लॉगर भी हैं तो ये एक बहुत ही सही मुझे जो है सेटअप लग रहा है। इसका इमेज क्वालिटी टेस्ट करें उसके पहले आपसे एक बात बताना चाहूँगा, वैसे तो 28-70mm f2.8 DGDN कंटेम्प्रेरी लेंस को डिज़ाइन तो किया गया है फुल फ्रेम कैमराज के लिए, लेकिन अगर आपके पास में APS-C सेंसर का कैमरा है सोनी का कोई भी, मसलन सोनी A6400, तो वहाँ पर भी आप इस लेंस को यूज़ कर सकते हैं। बस वहाँ पर फ़र्क ये पड़ेगा कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि 1.5x से जो है मैग्नीफाई हो जाएगी, तो वहाँ पर इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 40-105mm f2.8, तो वो भी एक अच्छी खासी फोकल लेंथ है। तो APS-C कैमरा, APS-C सेंसर का कैमरा आपके पास में, तो वहाँ भी आप इस लेंस को आसानी से यूज़ कर पाएंगे। अब इस लेंस में मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लगी वो है दोस्तों इसका प्राइस। अब अगर इसका प्राइस देखेंगे तो MRP है कुछ 92,000 रुपीज़ का, बट अभी मैंने Amazon पे चेक किया था तो कुछ वहाँ दिखा रहा था 77,000 रुपीज़ का। तो यार इतने पैसे के अंदर ना दोस्तों यहाँ पर आपको एक 22-70mm की फोकल लेंथ मिल रही है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम अपर्चर जो है कांस्टेंट वो भी वो आपको मिल रहा है f2.8, यानी कि 28mm फोकल लेंथ पे भी हम f2.8 पे शूट कर पाएंगे, 35 पे भी, 50 पे भी और 70mm पे भी। तो इस प्राइस के अंदर जो है ना ये लेंस काफ़ी अच्छा एक इम्पॉर्टेंट लेंस बन जाता है, जहाँ पर अगर आपको लो लाइट पर शूट करना है, आपको बोके दिखाना है, आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है, वो सारी चीज़ें आप जो है इस लेंस के साथ आसानी से कर पाएंगे। चलिए आप पहले एक पिक्चर लो, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप 28-70mm की फोकल लेंथ को बहुत ही अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई क्लोज डिस्टेंस सब्जेक्ट का पिक्चर लेना है 28mm के ऊपर, तो यहाँ पर जो क्लोज डिस्टेंस है वो रहेगा मिनिमम 7.5 इंच का। तो देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से पत्ती के पास, और करीब 7.5 इंच के आसपास की दूरी है, और मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेता हूँ देखिए इस तरह से।
तो ये पिक्चर मैंने ले लिया है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो इस तरह की अगर आपको छोटी मोटी मैक्रो फोटोग्राफी करनी है तो वो भी इस लेंस में पॉसिबल है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 7mm पे शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्लोजिंग फोकसिंग डिस्टेंस है वो रहेगा आपका लगभग 15 इंच। तो मैं देखिए इनका एक पिक्चर लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल 15 इंच की दूरी पर हूँ मैं, और लेता हूँ मैं इनका एक हेडशॉट। तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर जो है वो हमें कितना अच्छा मिला है यहाँ पे। सो आपको अगर अपने सब्जेक्ट के क्लोज जाके भी फोटोज़ लेने हैं तो आप बेहतरीन फोटोज़ जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. चलिए आप थोड़ा सा टेस्ट करते हैं ऑटो फोकस का कि वहां पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि जो आपने पहले पिक्चर्स देखे थे उसमें काफी अच्छे से परफॉर्म किया है। एक थोड़ा सा पास जाता हूँ, एक पिक्चर और लेते हैं। अब आपने देखा मैंने यहाँ पर अभी कुछ पिक्चर्स लिए और जो पहले भी जो मैं पिक्चर शूट कर रहा था तो एक चीज़ मैंने नोट की कि इसकी जो ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस है उसने मुझे खास तौर पे इम्प्रेस किया, क्योंकि ऑटो फोकस जब मैं कर रहा था तो बहुत ही क्वाइट, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही क्विक था। कारण ये है, इसके अंदर आपको मिलती है एक इंटीग्रेटेड स्टेपिंग मोटर और उसके साथ में जो है इसका ऑप्टिमाइज ऑटो फोकस एल्गोरिदम है। जब वो दोनों साथ में काम करते हैं तो आपको जो फोकस है वो बहुत ही स्मूथ, फ्लॉलेस और बहुत ही क्विक ऑटो फोकस आपको इस लेंस में मिलता है। चलिए अब करते हैं इसका बोके का टेस्ट। अब बोके आपको इसमें कैसा मिलता है, तो 7mm पे शूट कर रहा हूँ f/2.8 पे। तो ये कुछ दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको इसमें बोके किस तरह का मिल रहा है। सो फार सो गुड, मुझे इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा लगा, पिक्चर्स की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ओवरऑल इसका जो अभी तक का परफॉर्मेंस निकल गया है फोटोग्राफी के अंदर उसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, क्योंकि जिस प्राइस के अंदर ये आ रहा है, जिस तरह का ये लाइट वेट और एक कॉम्पैक्ट लेंस है, तो ये एक विन विन सिचुएशन बन जाती है किसी भी स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए, इवेंट फोटोग्राफर के लिए, या ई कॉमर्स फोटोग्राफर के लिए, या इवन आप फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। तो ये बहुत ही एक लाइट सेटअप है, प्लस जो इमेज क्वालिटी है उसने मुझे अच्छा खासा इंप्रेस किया। उसके अलावा दोस्तों आपको इस लेंस में मिल जाते हैं 2 FLD एलिमेंट्स, 2 SLD एलिमेंट्स एंड 3 SPHERICAL एलिमेंट्स, जिसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रेशंस, कलर फ्रिंजिंग या डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत ही रिड्यूस होता है। उसके अलावा दोस्तों आपने अभी बोके देखा, वो हमें क्यों इतना प्लीजिंग मिला, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलता है 9-blade rounded diaphragm। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस लेंस की बनावट, इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस है, उसने मुझे अभी तक काफ़ी इम्प्रेस किया। चलिए अब लेते हैं इसके कुछ हम वीडियो फुटेज। दोस्तों आपने देखा हमें यहाँ पर वीडियो फुटेज भी जो है कितनी इंप्रेसिव मिली। सो ओवरऑल अगर आप एक ऐसा लेंस ढूंढ रहे हैं जो कि एक सही बजट में हो, आपको इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छा देता हो, आपका सेटअप भी जो है लाइट वेट और कॉम्पैक्ट बनाता हो, तो आई थिंक दिस 28-70mm f/2.8 DGDN कंटेम्प्रेरी लेंस जो है वो आपके लिए एक परफेक्ट लेंस रहेगा। आपको इस लेंस की परफॉर्मेंस कैसी लगी, वीडियो फुटेज जो फोटो सैंपल्स हैं वो कैसे लगे मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको मिल जाता है जैसे सुपर मल्टी लेयर नैनो पोरस कोटिंग, जो कि मैंने जब शूट कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जो लेंस फ्लेयर है या घोस्टिंग है उसको जो है काफ़ी सारा ये कंट्रोल करता है, और जो कलर्स हैं वो आपको बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही जो जिसे हम कहते हैं कि एक ट्रू कलर के साथ में आपको फोटोज़ एंड वीडियोस मिलते हैं। तो
ओवरऑल दोस्तों मुझे इस लेंस का सब कुछ अच्छा लगा। अब अगर मैं कहूँ उसमें और क्या बेटर हो सकता था, तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी अगर थोड़ी 24-70 mm f/2.8 DGDN लेंस, 8 सीरीज वाले लेंस जैसी होती तो सोने पे सुहागा होता, बट नॉट बैड। सो ओवरऑल इसकी जो है इसमें खूबियाँ ज़्यादा लगी मुझे और कमियाँ जो है वो बहुत ही कम नज़र आई। तो आपके अब कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।